जय श्री कृष्णा। आज हम सबके लिए बड़ा उत्सव का दिन है, जिन्होंने अपना सारा जीवन गीता के लिए समर्पित किया। इको कम करें थोड़ी। संपूर्ण समाज के अंदर गीता के ज्ञान को, गीता के सार को और गीता के साथ जीने की राह बताई। परम श्रद्धे गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूं। आज हम सबके लिए उनका जन्म उत्सव तो है सही, लेकिन उसके साथ देश के हजारों लाखों लोगों के जीवन को जिन्होंने परिवर्तन किया, गीता के ज्ञान से, गीता के संदेश से, गीता के कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और गीता के संदेश से जिन लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तन किया, आज ऐसे मनीषी जी का हम सब जन्मोत्सव मना रहे हैं। मैं देख रहा हूं आज हरियाणा नहीं, देश के अलग अलग राज्यों के अंदर गीता मनीषी का जन्मदिन मानव सेवा के समर्पित के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने मानवता के जीवन जीने का संदेश दिया, उन्होंने मानव कल्याण के लिए लाखों लोगों को प्रेरित किया। आज देश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर उनका जन्म उत्सव मानव कल्याण के लिए मनाया जा रहा है और हम सबको उन्होंने प्रेरित किया, दिशा दी गीता के माध्यम से जीने की, गीता के माध्यम से कर्मयोग करने की, गीता के साथ अपने जीवन की हर समस्या का समाधान खोजने की। और आज देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, जीवन का वह दर्शन है जो व्यक्ति की हर समस्या का समाधान ढूंढता है। और इसीलिए आज हमारे बीच में उनके जन्म उत्सव मनाने के लिए सभी संत ऋषि शंकराचार्य, अलग अलग धर्मों के धर्माचार्य यहां पधारे हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच में कर्मशील मुख्यमंत्री माननीय मोहनलाल जी खट्टर साहब भी पधारे हैं। हम सबको गीता मनीषी जी ने हमेशा भगवान श्री कृष्ण के जीवन, उनके आदर्श, उनके दर्शन को जीने की राह बताने का काम किया। मेरा तो गीता मनीषी जी से बड़ा व्यक्तिगत रूप से भी उनका बहुत स्नेह मेरे पर रहता है और मैं जो स्नेह उत्साह
यहां पर देख रहा हूं, ये स्नेह उत्साहित बात का है कि उन्होंने कितने ही लोगों की जिंदगियों को बदलने का काम किया है, कितने ही लोगों की जिंदगी को जीने की राह बताने का रास्ता बताया है। और यही जीवन में है जो संत ऋषि जीवन जीने की राह बताता है, हम सब उसके प्रति कृतज्ञ रहते हैं। आज हम सब गीता मनीषी ज्ञानावन जी महाराज के प्रति कृतज्ञ हैं कि उन्होंने मानवता के लिए एक संदेश दिया, जियो गीता के रूप में एक संदेश दिया, कृष्ण कृपा के रूप में एक संदेश दिया। उनकी कृपा बनी रहे, उनकी कृपा है, कृष्ण की कृपा है, और हम सबके जीवन को इसी तरीके से उनका मार्गदर्शन मिलता रहे। इनके जन्म उत्सव पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।